Dear students, in this video we will discuss about very important topic total internal reflection, which is very important from exam point of view. Last video में हमने बात की थी refraction of light, उसी concept का use करेंगे और देखिए क्या क्या होता है. It is an interface between two mediums. This is rarer medium and this one is denser medium. The refractive index of rarer medium, let it is mu A and this one is mu B. हमने क्या सीखा था, अगर कोई भी लाइट रे, मान लो लाइट सोर्स यहां पर है इन डेंसर मीडियम, जब भी कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो कहां पर, इंटरफेस पर, तो वो एज इट इज निकल जाती है. अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, जीरो. अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, इस मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन कहां होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेट इट इज द नॉर्मल, तो सीधी जाने की बजाय कहां जाएगी, इस डायरेक्शन में. अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज कर दें इस तरीके से, यहां पर बेंड हुई ज्यादा, यहां पर कोई कंडीशन आएगी जहां पर और भी जो हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ये एंगल नॉर्मल से मेजर करेंगे तो ये और ग्रेटर हो जाएगा. एक कंडीशन ऐसी आएगी, मान लो कोई पॉइंट ये, जहां पर पहुंचने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरफेस के साथ अलाइन हो जाएगी इस तरीके से. जो ये एंगल बनेगा, ध्यान से सुनना, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इन द रेयरर मीडियम. इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल एंगल. क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री इन रेयरर मीडियम, इट इज नोन एज क्रिटिकल एंगल. अब देखो पहली कंडीशन क्या थी, स्ट्रेट निकल गई, अगली बार क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हुआ, एक बार और देखा और इंक्रीज हुआ. एक एंगल पर्टिकुलर एंगल ऐसा आया जिस पर जाने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरफेस के साथ अलाइन हो गए, इसका मतलब इसी लाइन पर, और एंगल कितना बना नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का, कहां, रेयरर मीडियम में. अगर हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें इंसिडेंट एंगल, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अब क्या होगा, जो लाइट रे पहले इंटरफेस हुई थी अब वो कहां होगी, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक. और ये फिनोमेना क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब मतलब क्या होगा TIR का, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम फ्रॉम द इंटरफेस ऑफ रेयरर एंड डेंसर मीडियम, विच इज नोन एज TIR. नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. अभी जो हमने कंडीशन देखी थी वो क्या थी, म्यू ए, और यहां पर रिफ्लेक्ट इंटरफेस के साथ अलाइन हुआ था किस एंगल पर, क्रिटिकल एंगल पे. जो यहां पर इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल है, सी के, और ये 90 डिग्री का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू बी. यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या था, म्यू बी और साइन कौन सा, साइन एंगल सी इज इक्वल टू म्यू ए और साइन कितना एंगल आएगा 90. साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहां इक्वेशन क्या बनी, म्यू बी साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए, और
म्यू बी अपॉन म्यू ए क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी. इट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. जो टी आई आर है उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं. एक तो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, जो भी हमने देखा था फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. सेकंड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. देर आर टू कंडीशंस ओनली. अब उन्हीं कंडीशंस का यूज करके हम इसकी एप्लीकेशंस पर बात करते हैं. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ टी आई आर? फर्स्ट वन इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. डायमंड बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, और जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, 24.4 डिग्री. जो डायमंड है उसको उस तरह की शेप दी जाती है ताकि जो भी लाइट रे अंदर जाती है किसी भी फेस पर स्ट्राइक करने के बाद उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से ग्रेटर हो जाए. मतलब एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. और दूसरा क्या था, डेंसर टू रेयरर. जब डायमंड के अंदर लाइट गई तो अब उस लाइट के लिए डायमंड एक हैवी मटेरियल, डेंसर मीडियम है कंपैरिजन टू आउटर आउटसाइड वेयर देयर इज ए एयर. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, तो जो भी लाइट अंदर गई अब उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा. हर किसी फेस पर क्या होगा, मल्टीपल टी आई आर, और जो क्या करता है, डायमंड को शाइनिंग देता है. दूसरा क्या है, मिरर फॉर्मेशन. जैसे इन डेजर्ट, कोई भी रेगिस्तान रेतीली जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो, वहां पर क्या होता है, कई बार जैसे हम कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो सामने कोई भी हमसे आगे कोई भी गाड़ी चल रही है, या तो उसकी इमेज नीचे दिखाई देने लगेगी बिना किसी वाटर के, या फिर कोई ट्री है उसकी इमेज नीचे दिखाई देने लगेगी. ये फॉर्मेशन क्या होती है, मिराज फॉर्मेशन होती किस वजह से, टी आई आर. गर्मियों में क्या होगा, जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई. गर्म होने के बाद क्या होगा, जो वहां की एयर है, जैसे सरफेस है और यहां तक, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जो एयर है वो थोड़ी लाइट होगी और ऊपर चलने लगेगी. मान लो यहां पर कोई ट्री था इस तरीके से, अब क्या होगा, जो भी लाइट रे थी ट्री से जो निकल रही है, यहां तो हो गया मान लो म्यू ए और यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. अब यहां से जो भी लाइट रे निकल रही है इस तरीके से, यहां पर अब कंडीशन क्या है कि लाइट रे ये डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ चल रही है, जो हमारी क्या थी, एक कंडीशन टी आई आर होने के लिए. नेक्स्ट दूसरी क्या थी, कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए. बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं लेकिन हमें पर्टिकुलर कौन सी दिखाई देगी, जो क्रिटिकल एंगल से पास आउट हो चुकी हो, एक्स्ट्रा हो चुकी हो, तो वो निकलने के बाद हम तक पहुंची. यहां पर क्या है, ऑब्जर्वर, और हमें उसकी इमेज ट्री की इस तरीके से नीचे दिखाई देती है. ये क्या है, मिराज फॉर्मेशन. नाउ द थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म विच आर राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल्स. इनमें क्या होगा, जो भी मटेरियल होता है ग्लास का होता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5, और क्रिटिकल एंगल होता है 42. कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो इस तरीके से, यहां पर एंगल कितना बनेगा, 45. इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो तो है 42 डिग्री, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस वो कितना है, 45, विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. इस केस में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है तो या तो वो 90 डिग्री के फेज एंगल पे चेंज कर देगा, या फिर इस एग्जांपल में बताएंगे 180 के डिग्री फेज पे चेंज कर देगा. अब क्या होगा, मान लो ए और बी ये है,
टू लाइट इज इंसिडेंट हुई, यहां से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, टी आई आर, इस तरीके से जो ये लाइन थी ये यहां पर क्या होगी, ए और ये बी, देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। इस केस में क्या होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, 1 2, यहां पर क्या होगा 45 डिग्री के बाद यहां पर इंसिडेंट हुआ, ये यहां पर दोनों दोबारा से 45 और अगेन टी आई आर, यहां पर जो लाइट रही थी फर्स्ट ए वाली, यहां अब ए यहां होगा और बी यहां होगा, ये कितने एंगल पर चेंज हो गए, 180 डिग्री के फेज एंगल पर। नाउ द फोर्थ वन इज ऑप्टिकल फाइबर विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑप्टिकल फाइबर इसकी वर्किंग किस पर डिपेंड करती हो, टी आई आर होता क्या, एक तरह से पाइप जो किस मटेरियल की बनी हुई होती है, या तो ग्लास या क्वार्ट्ज, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और ये कवर होती है एक मटेरियल से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम लिया जाता है 1.48 समथिंग, और इसी कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। कंडीशंस वही है सारी सारी, डेंसर रेयरर, लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, जब भी कोई भी लाइट रे एंटर करेगी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा और डेंसर से रेयर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गए किसके, टी आई आर की। अब क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ जिगजैग मोशन इट ट्रांसमिट इनसाइड द ट्यूब। द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स आर, इट इज फ्लेक्सिबल सो इट कैन बी ट्विस्टेड, इट कैन सेंड द इमेजेस एंड इट इज यूज इन मेडिकल लाइन, फॉर एग्जाम्पल एंडोस्कोपी। सेकेंड वन क्या होगा, विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी इट कैन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, बट फर्स्टली वी हैव टू चेंज देम इन लाइट एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फेयर ऑफ ए ट्रांसपेरेंट मीडियम इज कॉल्ड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यह समझने की बात क्या, ध्यान से सुनना, हमारे पास दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे, कौन से स्फेरिकल, फर्स्ट वन एक तो होगा कन्वेक्स, दूसरा क्या होगा कनकेव। इनका मतलब क्या है, जो प्रीफ्रेंस दी जाती है वो दी जाती है रेयरर साइड को, ध्यान से सुनना, एक रेयरर मीडियम है जो मान लो एयर है, दूसरा एक गिलास है किस शेप में, ये कॉन्वेक्स इस शेप में, तो हम प्रीफ्रेंस देते हैं रेयरर मीडियम। इसकी साइड कौन सा सरफेस है इसका, किस फॉर्म में, ये कॉन्वेक्स शेप में, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ये तो हो गया कॉन्वेक्स का, दूसरा ये मीडियम, अब यहां रेयरर है ये डेंसर है, इस केस में क्या होगा, ये कौन सा शेप है, एक कनकेव का, तो इसको हम बोलेंगे कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हमेशा प्रीफ्रेंस दी जाएगी किसको, रेयरर साइड को, और जैसा हमने सीखा था रिफ्लेक्शन के केस में, जो भी हमारे पास मिरर्स थे रिफ्लेक्शन में, क्या कॉनकेव और कॉन्वेक्स के, वहां पर भी क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा। अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करते हैं, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इट इज द सेंटर ऑफ स्फीयर हूज सरफेस इज ए पार्ट, व्हाट इज रेडियस, इसकी रेडियस जो भी सेंटर से बनेगी। प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर कोई स्ट्रेट लाइन पास करे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा, जितने भी रूल्स थे साइन कन्वेंशन के वो सारे एज इट इज, लेफ्ट की चीजें नेगेटिव, राइट की चीजें पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव जो भी हाइट होगी और नीचे बिलो प्रिंसिपल एक्सिस दे आर टेकन एज नेगेटिव। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व डेरिवेशन टू इवेल्युएट द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। व्हेन द इमेज फॉर्म इज रियल एंड लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एट कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस,
जो अभी बताया था रेयरर मीडियम कौन सा, लेफ्ट वाला, और ये शेप कैसी है, कॉन्वेक्स की, और ये क्या है, डेंसर। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, रेयर से डेंसर की तरफ चल रही है लाइट। अब देखिए डायग्राम को समझो, ओ क्या है ऑब्जेक्ट, आई क्या है इमेज। ऑब्जेक्ट से कोई भी लाइट रे गई, ये कोई भी इंटरसेक्शन पॉइंट था, इंटरफेस किसका, रेयरर और डेंसर मीडियम का, और एट द कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और ये नॉर्मल, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिला दें, ये क्या बनेगी लाइन, नॉर्मल। नॉर्मल लाइन इंसिडेंट रे के साथ एंगल क्या बनाता है, एंगल आई, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड रे बनाती है एंगल आर। एक चीज याद रखना, एंगल ए ओ एम या फिर पी, जो ऑब्जेक्ट है वो मान लिया हमने कितना, एंगल अल्फा ऑब्जेक्ट के साथ, सेम इमेज के साथ मान लिया बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ मान लिया गामा, अल्फा बीटा गामा, सारे सारे जितने भी हमारे पास क्या है एंगल्स, वो हमने रिप्रेजेंट कर दिए। स्नेल्स लॉ क्या था, अगर हम इस इंटरफेस मतलब मीडियम और इस मीडियम पे स्नेल्स लॉ लगाए तो क्या आएगा, म्यू वन और साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। इफ एंगल इज स्मॉल देन वी कैन राइट इट म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर। इस इक्वेशन के लिए हमें सॉल्व करना है, यहां म्यू वन और म्यू टू हमारे पास है रिलेशन निकालना में। अब हम सॉल्व करेंगे एंगल आई और एंगल आर के लिए। मैथमेटिक्स में भी पढ़ा था कि एक फॉर्मूला होता है, एक्सटर्नल एंगल आउटसाइड द ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स। उस फॉर्मूला का यूज करके आई और आर की वैल्यू निकालेंगे। अब ध्यान देना, हमारे पास हम दो ट्रायंगल्स बनाएंगे जिसमें ए और सी फिक्स हैं, ए और सी, एक तो ऑब्जेक्ट के साथ एक इमेज के साथ। अगर मैंने ट्रायंगल लिया ए सी ओ, ए ओ सी ऑब्जेक्ट के साथ ले लिया, यहां पर ये वाला ट्रायंगल, एक्सटर्नल एंगल कौन सा है आई, आई इज इक्वल टू इंटरनल एंगल कौन कौन से हो गए, एक तो अल्फा और दूसरा गामा, आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई की वैल्यू हमें मिल गई यहां पर रखने के लिए। अब दूसरा ट्रायंगल क्या था जिसमें ए सी तो फिक्स होता, अब दूसरा क्या जाएगा आई, एंगल ट्रायंगल ए आई सी, यहां पर एक्सटर्नल एंगल कौन सा है गामा और इंटरनल आर और बीटा, तो यहां से क्या आया गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, और आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गामा माइनस बी। हमारे पास अब एक तो आर आ गया इसके लिए और दूसरा एक आई आ गया, अब दोनों को रखना है इस इक्वेशन में। तो क्या इक्वेशन बनेगी हमारे पास, म्यू वन आई की वैल्यू है अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू म्यू टू, आर की वैल्यू है गामा माइनस बीटा। अब इस इक्वेशन में अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू रखनी है। सपोज ए एम परपेंडिकुलर टू ओ आई, यहां पर परपेंडिकुलर डाला, और अपर्चर स्मॉल होने की वजह से पी और एम इक्विवेलेंट है एक दूसरे के। अब हम रेडियन वाला फॉर्मूला रखेंगे जो क्लास 11th में सीखा था कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सबसे पहले हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, ये अल्फा, आर्क क्या होगी इसके लिए ए एम, और रेडियस क्या होगी एम ओ। ऐसे ही बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम आई, ए एम अपॉन एम आई, एंड गामा इज इक्वल टू ए एम अपॉन एम सी।
जो हमारे पास ये वैल्यूज है, जैसे एम ओ अगर अपर्चर स्मॉल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, पी ओ, ऐसे ही एम आई की जगह पी आई और एम सी की जगह पी सी, पी इस तरीके से। अब ये वैल्यूज रखनी है हमें इस इक्वेशन में, क्या आएगा, म्यू वन अल्फा की जगह ए एम अपॉन पी ओ, गामा की जगह क्या आएगा ए एम अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू, गामा की जगह ए एम अपॉन पी सी माइनस बीटा की जगह ए एम अपॉन पी आई। ए एम ए एम दोनों साइड ए एम कॉमन लेकर दोनों कर देंगे, बचेगा क्या, म्यू वन इज ब्रैकेट में वन अपॉन पी ओ प्लस वन अपॉन पी सी, म्यू टू वन अपॉन पी सी माइनस वन अपॉन पी आई। अब इनकी वैल्यू अलग अलग कर लेते हैं सेपरेट इसको, यहां क्या आएगा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू वन अपॉन पी सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन पी सी माइनस म्यू टू अपॉन पी आई। पी सी वाले एक साइड ले लेते हैं दोनों एक साइड, तो क्या आएगा म्यू वन अपॉन पी ओ प्लस म्यू टू अपॉन पी आई इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी। अब साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे, वो क्या आएगा म्यू वन अपॉन पी ओ, पी ओ क्या है एक तो लेफ्ट साइड में और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, लेफ्ट की वजह से क्या आएगा माइनस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना यू, तो म्यू वन अपॉन यू साइन प्लस म्यू टू अपॉन पी आई की जगह क्या आएगा इट इज ए इमेज डिस्टेंस विच इज वी और राइट साइड इसकी ये क्या आएगा पॉजिटिव, तो आंसर क्या आएगा वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन पी सी क्या है सेंटर से पोल की डिस्टेंस विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये क्या आएगा राइट साइड है तो पॉजिटिव, तो यहां क्या आएगा आर। ये रिलेशन किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हेन इमेज फॉर्म इज रियल एंड लाइट रे गोज फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। सेम मेथड किसके लिए रहेगा वर्चुअल के लिए, डेंसर से रेयरर के लिए सब कुछ, बस एक इक्वेशन चेंज होगी, डेंसर से रेयरर के लिए म्यू वन की जगह म्यू टू आ जाएगा और म्यू टू की जगह म्यू वन आ जाएगा, वो क्या आएगा रिजल्ट म्यू टू अपॉन माइनस यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन आर। ये किसके लिए डेंसर टू रेयरर, और जो भी हम अप्रोच करेंगे सारा तरीका कौन सा रहेगा यही वाला। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेंस, व्हाट इज लेंस, लेंस इज ए पोर्शन ऑफ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम विच इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसेस। टाइप्स क्या क्या है इसके, एक कॉन्वेक्स जो कि मिडल पार्ट जिसका क्या होता है थिकर और एजेस क्या होते हैं थिनर, एक होता है कनकेव लेंस जिसका मिडल पार्ट थिनर होता है और एजेस क्या होते हैं थिकर। जितनी भी डेफिनेशंस थी, कॉन्वेक्स का दूसरा नाम क्या होगा एक कन्वर्जिंग लेंस और कनकेव का क्या होगा डाइवर्जिंग लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी वो स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू बोथ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर फ्रॉम, जो हमारे पास क्या होगा प्रिंसिपल फोकस वो क्या होगा व्हेन इट इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज कन्वर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन। और इसके केस में प्रिंसिपल फोकस क्या होगा इधर की साइड होगा, वो क्या होगा जहां से जितनी भी पैरेलल लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई दिखाई दें, पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव लेंस। नाउ वी विल डिस्कस लेंस मेकर फॉर्मूला।
इसको बनाने के लिए जो भी हमने किया था रेयरर से डेंसर में रिफ्रैक्शन, रियल इमेज वर्चुअल इमेज सभी के लिए उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करेंगे हम, जो हमने रिलेशन निकाला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और रेडियस ऑफ कर्वेचर, इन सब के बीच में। देखिए लेंस जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होंगे, फर्स्ट वन ये, सेकंड वन ये, जो स्फेरिकल सरफेस है, एक्स पी वन वाई एक होगा, एक्स पी टू वाई ये दूसरा होगा। ये क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस, सी इज द ऑप्टिकल सेंटर, सी वन एंड सी टू ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ स्फेरिकल सरफेसेस, इसके लिए जस्ट सी वन, इसके लिए सी टू। ओ इज द ऑब्जेक्ट आई वन, ये अभी मैं बताता हूं आई वन और आई का मतलब क्या है यहां पर, और जो भी डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से यू वी इमेज के लिए ऑब्जेक्ट के लिए सारी। म्यू वन इज द म्यू वन एंड म्यू टू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये एयर मीडियम, ये इस मेटेरियल के लिए। इसे अप्रोच करने के लिए हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन से वाले, जो अभी हमने निकाले थे रिलेशन दोनों। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब ऑब्जेक्ट से लाइट रे ए पर इंसिडेंट हुई, इस केस में क्या था, जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है, ये हमारे पास फिलहाल एक्स पी वन वाई। जब भी कोई लाइट रे इंसिडेंट हुई ओ से, यहां हमने कंसीडर किया कि देयर इज नो अनदर बाउंड्री, ये वाली बाउंड्री नहीं है पहली कंडीशन में। जब यहां से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा, मान लो इस तरीके से, ये पहुंचा कहां पर, आई वन। हम कह सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज कहां बन रही है, आई वन पर। यहां इस कंडीशन में जब ओ से ए तक लाइट रे गई और ए से सीधी कहां गई, आई वन तक, इस कंडीशन में लाइट रे मूव कर दी है फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। अब यहां पर फॉर्मूला हम कौन सा लगाएंगे, जो रिलेशन निकाला था वो रिलेशन क्या था, म्यू वन अपॉन माइनस यू प्लस म्यू टू अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर। अब इनकी वैल्यूज रखनी है बस हमें, क्या आएगा इसका रिलेशन, म्यू वन अपॉन वो सेम लेफ्ट में तो माइनस यू, साइन किसका है प्लस का, म्यू टू अपॉन यहां पर v क्या है, इमेज डिस्टेंस, इस कंडीशन में जो पहली कंडीशन थी वहां इमेज कौन सी है, आई वन, तो इमेज डिस्टेंस कितनी मानी हमने, वी वन इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन फर्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर वो कितना मान लिया हमने, आर वन। ये तो थी रेयरर से डेंसर मीडियम के लिए। दूसरा, लेकिन एक्चुअल में क्या था, यहां पर बाउंड्री है इस तरीके से, बाउंड्री है तो इसका मतलब क्या होगा, अब जो ये डेंसर मीडियम में जो लाइट रे जा रही थी ए से बी तक, ये वाली लाइट रे ए से बी तक, यहां बाउंड्री आती क्या होगा, डेंसर से दोबारा से रेयरर मीडियम आया ये, और यहां पर दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा तो वो कहां जाएगा, इस तरीके से, ये वाली लाइन जो कहां पर मिली थी, आई पर। ये ओरिजिनल जो पोजीशन है किसकी, रियल इमेज की। इस कंडीशन के लिए जो आई वन है हम उसे मानेंगे क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी क्या है, फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर से रेयरर के लिए क्या था, इनकी जगह चेंज कर दो, म्यू टू की जगह म्यू वन, इस तरीके से। अब क्या होगा, अब इसकी वैल्यू रखते हैं डेंसर टू रेयरर मीडियम के केस में, क्या आएगा चेंज करने के बाद, म्यू टू अपॉन क्या था, माइनस यू था, माइनस, अब ऑब्जेक्ट का काम कौन सा कर रहा है, ये आई वन, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, वी वन, प्लस म्यू वन अपॉन इमेज की डिस्टेंस आनी है वो कितनी है, आई तक, वी इज इक्वल टू क्या आएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू, और दूसरे केस के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इस सरफेस के लिए वो क्या है, आर टू पॉजिटिव।
अगर इसको हम इंटरचेंज करेंगे वो क्या आएगा, म्यू टू म्यू वन प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन माइनस आर टू, इसके इक्विवेलेंट करने के लिए आप दोनों को सम कर दो, म्यू टू अपॉन वी वन और यहाँ क्या है माइनस म्यू टू अपॉन वी वन, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचे के ये माइनस म्यू वन अपॉन यू प्लस म्यू वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, ये कॉमन आ गया ब्रैकेट के अंदर, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये कंडीशन आई, म्यू वन कॉमन दिया, यहां से म्यू वन कॉमन दिया, क्या आएगा माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू म्यू वन से म्यू वन कैंसिल होकर क्या बचेगा म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन और वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। ये फॉर्मूला किसका होता है, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू इज इक्वल टू क्या होता है लेंस फॉर्मूला, वन बाई एफ, वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रेस्पेक्ट टू वन माइनस वन म्यू माइनस वन ब्रैकेट के अंदर वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू, ये क्या है लेंस मेकर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स लेंस। सेम किसके लिए होगा, कॉनकेव लेंस के लिए, सारे मेथड वही है, प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। डियर स्टूडेंट्स नाउ वी विल डिस्कस अबाउट लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, विच गिव्स द रिलेशन बिटवीन इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। जैसे मिरर फॉर्मूला हमने निकाला था, सेम क्या होगा लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला हम निकाल रहे रियल इमेज के केस में, और रियल इमेज कौन सा लेंस देता है, कॉन्वेक्स लेंस। जैसे मिरर फॉर्मूला बनाते वक्त हमने फोर ट्रायंगल्स लिए थे, एक सिमिलर ट्रायंगल्स, ताकि हम उनका कंपैरिजन कर सकें, ऐसे यहां पर लेंगे हम। देखो ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड, यू इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ए डैश बी डैश ये क्या इमेज फॉर्म्स एट राइट, रियल इमेज इन केस ऑफ लेंस फॉर्म्स एट राइट, स्मॉल एफ इट इज द फोकल लेंथ ये। अब यहां पर हम ट्रायंगल्स लेंगे, एक तो सी के साथ बनाएंगे, ए बी सी एंड ए डैश बी डैश सी, दीज ट्रायंगल्स आर सेम, ए डैश बी डैश सी एंड ट्रायंगल ए बी सी, यहां हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी बी डैश अपॉन सी बी, ये इक्वेशन बनेगी कौन सी फर्स्ट। दूसरा एफ के साथ, यहां पर ट्रायंगल हम चेंज करेंगे, जैसे हमने सी डी को मिलाया था, यहां पर एफ के साथ बनाएंगे, जैसे ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ एंड ट्रायंगल सी डी एफ, यहां हम क्या लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन सी डी, ए डैश बी डैश और ये सी डी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन एफ सी, ये इक्वेशन वन थी, ये इक्वेशन टू। और यहां पर क्या होगा, जो सी डी है सी डी किसके इक्वल होगी ए बी के, तो हम इस इक्वेशन में और क्या लिख सकते हैं ए बी। अब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू एफ बी डैश अपॉन एफ सी, यहां पर देख रहे हैं कि हमें डायरेक्ट कौन सी वैल्यूज नहीं पता है, सी बी डैश सी से बी डैश हमें पता ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस है, सी बी की पता ऑब्जेक्ट और सी एफ इसकी पता फोकल लेंथ, बचा क्या एफ बी डैश, एफ बी इसकी नहीं पता, तो हमें इसको तोड़ना होगा किस फॉर्म में जो हमें पता हो, तो हम एज इट इज लिखेंगे सी बी डैश अपॉन सी बी इज इक्वल टू एफ बी डैश, को हम क्या लिख सकते हैं सी बी डैश माइनस सी एफ, सी बी डैश माइनस सी एफ, बचेगा क्या एफ बी डैश और एफ सी एज इट इज। अगला स्टेप क्या होगा, यूजिंग साइन कन्वेंशन जो हम सीख चुके हैं पहले, सी बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं सी बी डैश, एक तो राइट साइड में आ रही है और एक इमेज डिस्टेंस है,
राइट साइड का मतलब पॉजिटिव, तो बचा क्या है v अपॉन सी बी को क्या लिख सकते हैं, एक तो लेफ्ट है और एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो लेफ्ट की वजह से माइनस और u इज इक्वल टू सी बी डैस प्लस v माइनस सी एफ, ये क्या होगा पॉजिटिव, राइट साइड है तो प्लस फोकल लेंथ अपॉन एफ सी को क्या लिख सकते हैं हम फोकल लेंथ, वो भी क्या पॉजिटिव। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, सबसे पहले ये कर लेते हैं माइनस यू वी प्लस यू एफ इज इक्वल टू वी एफ, पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे यू वी एफ से, तो क्या आएगा यू वी एफ यू वी एफ यू वी एफ, यू वी से यू वी गया, यू एफ से यू एफ और वी एफ से वी एफ, बचा क्या माइनस वन अपॉन एफ प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन यू। इनको अरेंज करके हमें इक्वेशन क्या मिलेगी, वन अपॉन वी एल एच एस में एज इट इज, वन अपॉन यू को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस वन अपॉन यू, और इज इक्वल टू में इसको ले जाएंगे तो प्लस का बन जाएगा वन अपॉन एफ, विच इज द लेंस फॉर्मूला फॉर रियल इमेज। ऐसे हम बना सकते हैं एनलार्ज डिमिनिश्ड और एक कनकेव के लिए भी, दोनों डिमिनिश बनती है कनकेव के केस में, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, मेथड बिल्कुल सेम यही रहेगा। अब देखिए एक टर्म क्या है लीनियर मैग्निफिकेशन, जो मिरर फॉर्मूला के केस में भी थी, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m व्हिच इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज फ्रॉम टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट क्या है a डैश b डैश अपॉन ab, जो हमने फॉर्मूला बनाया था a डैश b डैश अपॉन ab, फॉर्मूला क्या निकल के आया था इक्वल टू cb डैश अपॉन cb, साइन कन्वेंशन से इनकी वैल्यू रखेंगे तो क्या आता है देखो m इज इक्वल टू a डैश b डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक तो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे आ रहा है तो हम लिखेंगे माइनस, और हाइट कितनी हाइट ऑफ इमेज अपॉन ab क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर आ रहा तो पॉजिटिव इज इक्वल टू cb डैश क्या होगा पॉजिटिव साइड आ रहा, और एक क्या है इमेज डिस्टेंस तो प्लस v अपॉन cb क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और लेफ्ट मारा तो हमने क्या लिख लिया माइनस u, तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर फॉर्मूला क्या बना m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, विच इज द लीनियर मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंस फॉर्मूला।